अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के कौन कौन से मेथड हैं, डीएनए किस मेथड से किस वे में रेप्लिकेशन करता है, तो ये तीन मेथड्स हैं, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कौन कौन से मेथड हैं, नंबर वन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये डीएनए जो रेप्लिकेशन के मेथड हैं ये सबसे पहले प्रपोज किया था ये वाटसन एंड क्रिक। इन्होंने कहा कि जब डीएनए जो है एक पेरेंट डीएनए जब वो रेप्लिकेट करता है तो वो दो स्ट्रैंड्स बनाता है जिनको हम डॉटर स्ट्रैंड कहते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम एक्सप्लेन करते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन नाम से शो हो रहा है कि डीएनए का हाफ, सेमी का मतलब होता है हाफ, कंजर्वेटिव मतलब हाफ स्ट्रैंड कह लें, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है यानी इसका एक स्ट्रैंड कंजर्व होगा रेप्लिकेशन। अब देखते हैं कैसे ये प्रोसेस होता है। सपोज हमारे पास अगर हम बात करें तो ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है लाइक दिस। अब इसके दो स्ट्रैंड हैं, इसको हम कह रहे हैं पेरेंट या पेरेंटल डीएनए, दोनों स्ट्रैंड पेरेंट स्ट्रैंड है। जब इन्होंने रेप्लिकेट करना है तो हमेशा एक स्ट्रैंड एक पेरेंटल स्ट्रैंड कंजर्व होगा। इसको हम ऐसे कर देते हैं एक पेरेंटल स्ट्रैंड और इसके साथ एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बनेगा। सेम हियर, यहां पे एक पेरेंटल स्ट्रैंड और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा, अंडरस्टैंड। अब इसमें ऐसा मेथड जिसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड कंजर्व हो और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड हो, इसको हम सेमी कंजर्वेटिव मैनर में रेप्लिकेशन कहते हैं। यानी ये जो ब्लू कलर से है दिस इज पेरेंटल स्ट्रैंड एंड दिस ग्रीन पोर्शन, ये दोनों स्ट्रैंड्स में ग्रीन पोर्शन दिस इज न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो ऐसे मैनर में अगर डीएनए रेप्लिकेशन करें तो इसे हम सेमी कंजर्वेटिव मैनर कहते हैं या सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की तरफ आते हैं, नंबर टू, जिसे हम कहेंगे कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन नाम से शो हो रहा है कंजर्वेटिव, यानी इसमें स्ट्रैंड कंजर्व हो रहे हैं। अब देखते हैं ऐसे मैनर में कैसे डीएनए रेप्लिकेशन करता है। सपोज दिस विल इज पेरेंटल डीएनए, सेम लाइक दैट पेरेंटल डीएनए, अब इसने रेप्लिकेट होके दो स्ट्रैंड बनाने हैं तो होगा क्या, टोटली स्ट्रैंड एक यानी पूरा डीएनए स्ट्रैंड कंजर्व हो जाएंगे। यानी यहां पे यूं एक पूरे का पूरा पेरेंटल डीएनए बनेगा और एक पूरे का पूरा जो न्यू डीएनए है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा लाइक दिस। दिस विल इज न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड या न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए एंड दिस विल इज पेरेंटल डीएनए, अंडरस्टैंड। ये मेथड, ऐसे मेथड में अगर डीएनए रेप्लिकेशन करें तो दिस विल कॉल्ड
कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब हम तीसरे मेथड को डिस्कस करते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन नंबर थ्री पे आ जाता है, डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। इसमें सेम हम वैसे ही करते हैं, पेरेंटल डीएनए, ये पेरेंटल डीएनए हमारे पास हो गया, जब ये रेप्लिकेशन करेगा तो फिर से दो डीएनए बनेंगे, अंडरस्टैंड। अब इसमें क्या होगा, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, अगेन इस तरह, सेम हियर, यहां पे भी, यहां पे भी, इस तरह। ये मेथड में रेप्लिकेशन जो होती है इसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड यानी पेरेंटल स्ट्रैंड और न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड जो है ये डिस्पर्स हो जाते हैं। यानी अब देखिए यहाँ पे ये जो रेड से मैं शो कर रहा हूँ, दिस विल इज न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, क्लियर। और ये जो ब्लू वाला है, दिस इज पेरेंटल स्ट्रैंड, अंडरस्टैंड। और अगर डीएनए इस मेथड से रेप्लिकेशन करे तो इसको हम कहेंगे डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। थैंक यू व्यूअर, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।